शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच हुए आरोप प्रत्यारोप में पक्ष विपक्ष में बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब इस प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर जवाब दिया है। राबड़ी देवी ने ट्वीट कर कहा है, नीतीश कुमार कुतर्कों के योद्धा बन गए हैं। कह रहे तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया, इनमें लोकलाज बची ही नहीं। बताइए, सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों के नेता को उप मुख्यमंत्री बना नीतीश ने कौन सा एहसान कर दिया? शुक्रगुजार आपको लालू जी का होना चाहिए, जो आपको राजनीतिक जीवन दान प्रदान किया। इसी तरह जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है, सदन के पटल पर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जैसी बातें करके पलटी मारना, तुमको ये बनवा दिया, तुम्हारे बाप को ये बनवा दिया, तुमको ये बनवा दिया, तुम्हारे बाप को ये बनवा दिया, तुम पर मुकदमा करवा देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का ये आचरण कौन सी मर्यादा और सुचिता का परिचायक है, ये देश जानने को उत्सुक है। दरअसल राज्य में नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानमंडल का पहला सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा। आरोप प्रत्यारोप और निजी हमलों के कारण सत्र के आखिरी दिन जमकर भैंसा भैंसी हुई। तेजस्वी के कटाक्ष और आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार आक्रोशित हो गए और गुस्से में तमतमाते हुए सदन में बोलने लगे। सत्र के आखिरी दिन आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर दर्ज हुए 1991 के केस का जिक्र करते हुए निशाना साधा था। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार की तरह से 9-9 बच्चे वाले बयान पर भी तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को घेरा। इस पर वे आग बबूला हो गए और गुस्से में नीतीश ने कहा, हम अब तक चुप थे, यह हमारे बेटे के समान है, इनके पिताजी हमारी उम्र के हैं, तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, आप चार्जशीटेड हो, तुम क्या करते हो हम सब जानते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।